खैर गाइस, स्वागत है आपका मेरे न्यू चैनल पे। मेरा पुराना चैनल मैंने बताया जो मेरा जा चुका, उसका थोड़ा डाटा था वो पूरा जा चुका। मेरा गूगल क्लाउड स्टोरेज वो सब जा चुका। क्यों? क्योंकि मेरा जो गूगल अकाउंट था वो मेरे हाथ से जा चुका। मैंने कोशिश की 3 दिनों से, बहुत ट्राई किया लेकिन रिकवरी नहीं हो पाई उसकी, तो मेरे को ये नया गूगल अकाउंट बना के नया चैनल बनाना पड़ा। तो फिलहाल मैं आज आपको देने आया हूँ इलेक्ट्रिफिकेशन की अपडेट। मैं आ चुका हूँ अभी दिल्ली साइड, बट आपको सबसे पहले दिखाता हूँ भरतपुर साइड का जो नया यार्ड बना है उसकी अपडेट, फिर अपन आएंगे वापस दिल्ली साइड। सो खैर, अभी ये अपडेट के लिए नीचे से तो हो नहीं पाती, तो अभी मैं एक छत पे आया हुआ हूँ ऊपर, और इधर से आप देख सकते हैं काम 20 दिनों के अंदर काम कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ पोल्स थे उस दिन लगे थे, अभी उनको सीमेंट से पक्का किया है, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा किया है, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 वाली जहाँ पे तार खींच दिए थे, तार खाली खींचे हुए हैं अभी। ये जो 5 नंबर वाली लाइन है हमारी, ये वाली लाइन इस पे, और हमारी मेन लाइन वहाँ तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो ही चुका था। ये लास्ट वाली लाइन है, ये 6 नंबर की, इस पर कुछ नहीं हुआ, और ये वाली लाइन आगे जाके ख़त्म हो रही है, और ये जो लूप लाइन है हमारी ये मेन लाइन में जाके मिल रही है, ये वही लाइन है जो आगे जाके आगरा फाटक पे ख़त्म हो रही है। और आपको बाकी दिखाता हूँ बांदीकुई जंक्शन का हाल। खैर, ये हमारा बांदीकुई जंक्शन, अभी मैं चल रहा हूँ भरतपुर वाली मेन ट्रैक पे। बांदीकुई जंक्शन का हाल आपको बताऊँ तो, जो हमारा यार्ड रिमॉडलिंग हुआ था, पहले जो यार्ड था और अब जो यार्ड है, उसमें पटरियों की एंड हर जगह की चेंजिंग हुई है। जो दिल्ली साइड भी हमारा न्यू यार्ड बना है, तो उसके चलते जो पुराना इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका था वो आधा वापिस सब किया जाएगा दोबारा। उसका रीज़न, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी मेन ट्रैक के ऊपर वायरिंग, ये तो सीधी है, लेकिन पहले इस ट्रैक से निकलकर एक लूप लाइन जा रही थी, वो लूप लाइन तो अब हट गई, लेकिन उसके जो ऊपर के वायर थे, देखो वो वायर अभी भी यहीं हैं। ये बड़ी अजीब चीज़ लग रही होगी ना देखने में, कि ऊपर वायर है लेकिन नीचे ट्रैक नहीं है। तो ये काम बचा है, ये वायर अटक के यहाँ पे, ये हमारा न्यूट्रल सेक्शन भी है इस वायर में, तो ऐसे ही काम अभी बाकी हैं। और ये हमारी दिल्ली, ये पूरा भरतपुर साइड वाला है, उधर की साइड हमारे दोनों नए प्लेटफॉर्म हैं, वो दोनों हमारे नए प्लेटफॉर्म, और ये जो इसको प्लेटफॉर्म की लेंथ बढ़ाई गई है, ये हमारा ही दिल्ली साइड वाला, जो दिल्ली साइड में ट्रैक्स जा रही हैं उधर भी चल रहे हैं अभी अपन, और यहाँ भी वही सेम चीज़ है। अब देखो, ये मेन ट्रैक में से जो हमारी एक लाइन नई निकाली गई है यार्ड रिमॉडलिंग में दिल्ली की साइड, उसके ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं है, पोल लग गए, स्ट्रीट ट्यूब्स ब्रैकेट ट्यूब्स कुछ नहीं लगे, वहाँ भी सेम उतना ही काम है जितना यहाँ पे है, 20 दिनों में कुछ नहीं हुआ। और ये ट्रैक के ऊपर भी देख लो आप, ये जो तार जा रहे हैं, सिर्फ वायर जा रही हैं, नीचे पटरियाँ हैं ही नहीं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 का काम कंप्लीट है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 का काम कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये वायर है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 के ऊपर से ही होके जा रही है ये बगल वाली, तो पहले ये वायर अटेगा, नई स्ट्रेट ट्यूब्स ब्रैकेट ट्यूब्स लगाई जाएंगी नए पोलों पे, जब जाकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 का काम होएगा। ये हमारी मेन लाइन का काम कंप्लीट है इलेक्ट्रिफिकेशन का, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जो हमारा नया बना है वहाँ पे अभी वायर पहले लगे हुए थे लेकिन उनको वापस लूज़ कर दिया गया है, अटा दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर भी अभी ये जो बूम मास्ट होते हैं, ये जो वर्टिकल वाले, ये वाले, ये लगाया जाएगा और नया उधर पोल्स पे। तो ये है कि काम बाकी है, बहुत बहुत बाकी है, पहले हो चुका था पूरा जंक्शन इलेक्ट्रिफाइड, सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म बचे थे, 6 और 5, लेकिन अब रिमॉडलिंग हुई है तो इन पे भी असर पड़ा है, इनको वापस हटा के अब लगाया जाएगा। इसमें देखते हैं कितना टाइम लेती है रेलवे बांदीकुई जंक्शन का, देख के तो यही लग रहा है कि जयपुर जंक्शन को पूरा करके ये लोग बांदीकुई जंक्शन पे करेंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे वायर खींच दिए थे, देखो आगे जाके फिर लूज़ कर दिए, तो
तो हमारी बांदीकुई जंक्शन की रिपोर्ट यही है, फर्स्ट और सेकंड पूरा हो चुका, थर्ड पे वायरिंग नहीं हुई है, जो थी वो हटा दी क्योंकि ये वाला जो वायर आ रहा है ये उधर ही जा रहा है और इसके नीचे कोई ट्रैक नहीं है, पहले थी वो हटा दी गई है ये वायर जो है। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे वायरिंग कर दी गई है, 6 पे अभी पोल्स लग गए हैं लेकिन स्ट्रेट ट्यूब्स और ब्रेक ट्यूब्स लगना बाकी है। ये तो हमारा बांदीकुई जंक्शन और अभी हम चल रहे हैं दिल्ली साइड। ये हमारी जो ट्रैक्स का कर्व जा रहा है ये दिल्ली साइड जा रहा है। ये दिल्ली साइड से जो पहले प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली लाइन थी वो अब सीधा इधर की साइड जा रही है, हमारे जो मेन लाइन है ना प्लेटफॉर्म नंबर उस वाली, प्लेटफॉर्म नंबर 3 वाली मेन लाइन, और एक उधर वाली जो भरतपुर वाली मेन लाइन थी जहाँ पे मैं चल के आया हूँ, और जो लूप लाइन जा रही है हमारी दिल्ली साइड वो वाली ट्रैक है, और ये वाली हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जो जाती है जो नई ट्रैक बिछी है वो, और ये लास्ट वाली है वो लूप लाइन है जो आगे दिल्ली फाटक पे जाके ख़त्म हो जाती है। इनकी बात करें तो ये जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली लाइन है जो पहले मेन लाइन हुआ करती थी, सिंगल ट्रैक था जब, उस पर पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, वायरिंग सब। बात करें लूप लाइन की तो खाली ये देखो पोल लगाए गए हैं, स्ट्रेट ट्यूब्स एंड ब्रेकिंग ट्यूब्स लगना बाकी है। बात करें प्लेटफॉर्म नंबर 3 की लाइन की भी तो इधर भी पोल्स लग चुके हैं लेकिन स्ट्रेट ट्यूब्स ब्रेकिंग ट्यूब्स लगना बाकी है। और ये व्यू तो आपने बहुत बार देख लिया होगा, मैंने सारी अपडेट्स यहीं बनाई है। बात करें जो हमारी मेन लाइन, जो पूरे जंक्शन की मेन लाइन है, एक तो भरतपुर साइड जा रही है ये, उसमें से जो उधर लास्ट वाली लाइन है वो बिल्डिंग के बगल में वो निकल के आई है, उसमें भी पोल्स लग गए लेकिन स्ट्रेट ट्यूब्स ब्रेकिंग ट्यूब्स नहीं लगे, और यहाँ कुछ काम हो रहा है, छोटा मोटा काम हो रहा है कुछ, शायद बोल्ट्स या नट्स लगा रहे हैं या अर्थिंग कर रहे हैं। हाँ ये लगा रहे हैं, ये तार लगा रहे हैं इस पे टेंशन के लिए। तो ये है हाल दिल्ली साइड का भी, पुरानी ट्रैक्स की सारी अर्थिंग कर दी थी, सब कुछ काम कर दिया था लेकिन रीमॉडलिंग के बाद वापस सब कुछ करना पड़ेगा रेलवे को, तो देखते हैं कब तक होता है। फिलहाल अभी 10 दिन में ये 20 दिन के बाद कुछ भी काम नहीं हुआ है, खाली छोटे मोटे काम किए गए हैं, जैसे तारों को खींच दिया गया था लेकिन उनको जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे लगा दिया गया है, एंड ये जो पोल्स थे इनको सीमेंट लगा के बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया गया है, तो बाकी देखते हैं काम कब तक होता है। दोस्तों अगर अब बात करते हैं सीधे जयपुर जंक्शन की, तो जयपुर जंक्शन पे जैसा कि मैंने आपको बताया काम चल तो जोरों शोरों से रहा है, तेज़ी से रहा है, बट उनकी काम करने की स्पीड तो तेज़ है लेकिन काम इतनी जल्दी हो नहीं पा रहा है क्योंकि आपको पता है बहुत काम होता है। अभी अर्थिंग का काम चल रहा है, जो हमारे प्लेटफॉर्म्स पर अर्थिंग का काम है वो चल रहा है। बात करें अगर पिट लाइंस की तो पिट लाइंस पर वायरिंग हो चुकी है, सबसे पहले कंप्लीट वायरिंग पिट लाइंस की हुई है। बात करें यार प्लेटफॉर्म नंबर 1 की एंड 2 की, उधर वायरिंग हो ही चुकी थी, बस किसी किसी जगह वायर को बांधना अच्छे से बाकी है। बात करें प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 की तो वहाँ अभी वायरिंग नहीं हुई है, वहाँ अभी सिर्फ स्ट्रेट ट्यूब्स एंड वैक ट्यूब्स लगे हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे एक वायर जो कैटनरी वायर होता है वो भी खींच दिया है। बात करें प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तो वहाँ कोई वायरिंग नहीं हुई है और अभी किसी किसी जगह स्ट्रेट ट्यूब्स एंड बैकिंग ट्यूब्स लगा दिए गए हैं, वहाँ अभी वायरिंग का कुछ काम नहीं हुआ है। बात करें अगर अपने बांदीकुई जंक्शन की तरफ, मतलब जयपुर से अपन जब सवाई माधोपुर जाते हैं, बांदीकुई जाते हैं, उस तरफ के आउटर की जो हमारा कर्व आता है उधर वायरिंग पूरी हो चुकी है, उधर से काम कोई बाकी नहीं है। और उधर हाँ एक बात है कि बीच में ये जो दोनों ट्रैक्स है बांदीकुई और सवाई माधोपुर वाली, इनके बीच में एक जो खाली जगह है शायद वहाँ भी एक और ट्रैक बिछेगी, क्योंकि ऊपर उन्होंने उस ट्रैक के लिए मतलब उस खाली जगह के ऊपर स्ट्रेट ट्यूब्स एंड ब्रेकिंग ट्यूब्स छोड़ रखे हैं, तो हो सकता है वहाँ भी एक ट्रैक बिछे। बात करें अगर अजमेर साइड वाले की तो वहाँ भी किसी किसी जगह जैसे पिट लाइंस की जगह वहाँ वायरिंग हो चुकी है, और यह है कि वहाँ प्लेटफॉर्म्स के जहाँ हैं जैसे प्लेटफॉर्म्स की जो लाइनें हैं वहाँ पर वायरिंग अभी बाकी है, स्ट्रेट ट्यूब्स एंड ब्रेकिंग ट्यूब्स पूरे लग चुके हैं, मतलब
यही समझ लीजिए जयपुर जंक्शन का कि अभी प्लेटफॉर्म के काम ही बाकी चल रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत काम होते हैं। यार्ड में अर्थिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो हमारी ट्रैक से अर्थिंग होती है, बस प्लेटफॉर्म पे अर्थिंग बाकी है। तो देखते हैं जयपुर जंक्शन का काम भी कब तक होता है।